गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग व्यूअर्स, स्टूडेंट्स. दिस इज मुशीर सर फॉर इंग्लिश क्लासेस. वेलकम टू झा क्लासेस एंड क्लास टेंथ. आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का एक और पोट्री, एक्सक्लूसिव पोट्री एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. एनिमल्स पोट्री जो बहुत सारे व्यूअर्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक डिज़ायरेबल पोट्री है. वो जानना चाहते हैं कि इस पोट्री में एक्चुअली एनिमल्स की अगर बात की जा रही है. आप देख सकते हैं बोर्ड पर मार्क किया हुआ है मैंने, एनिमल्स पोट्री इज कम्पोज बाय द ग्रेट पोइट वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन ने बहुत सारी पोइट्रीज़ को क्रिएट किया है, कंपोज किया है. और बेसिकली उनकी पोइट्रीज़ के अंदर आप जो पोइट्रीज़ पढ़ेंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि उनकी पोइट्रीज़ में हमारे सराउंडिंग जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी हैं, उनको बहुत खूबसूरती के साथ रिफ्लेक्ट करते हैं वो. वॉल्ट विटमैन है ना. हम अपने सराउंडिंग में कभी कभी ऐसे बहुत से फैक्टर्स को देखते हैं, इश्यूज़ को देखते हैं, लेकिन अप्रोच प्रॉपर नहीं कर पाते. इस पोयम में, इस पोट्री के अंदर, थ्रू दिस पोयम यू विल फाइंड डेफिनेटली द क्लियर विजन ऑफ वॉल्ट विटमैन. आप पोट्री का नाम देखिए, एनिमल्स. हमें लगेगा नाम जानने के बाद जैसे शायद किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बात की जाएगी. क्या एनिमल्स की लाइफ्स को हमें प्रिजर्व करना है, इस बारे में बात की जाएगी. या हमको अगर ऐसा लग रहा है कि एनिमल्स नाम है पोएम का, तो क्या हम किसी एनिमल्स लाइफ के बारे में जान रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों ऐसा, नॉट एट ऑल. बल्कि इनफैक्ट उन्होंने इस पोट्री के अंदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के ट्रेट्स को बहुत नाइसली कंपेरिजन किया है. एनिमल्स, थोड़ा सा मैं आपको समराइज करूँगा पोएम के बारे में, देन आई विल गो स्टैंजास, है ना. आप क्योंकि हमें वॉल्ट विटमैन का उस विज़न को पहले अप्रोच करना है कि वो इस पोट्री में हमें किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं. एनिमल्स पोट्री में उन्होंने किन किन फैक्टर्स को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है और कोशिश की है, उसी विज़न को मैं पूरी कोशिश करूँगा. आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. अच्छी पोयम है, टेंथ क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये मानकर चलिए कि यहाँ से बोर्ड्स बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है. शॉर्ट स्टैंजास, लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किए जाते हैं. इसके लिए आपको इस पोएम को कम्प्लीटली और प्रोमिनेंट वे में जानना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों. ठीक है सर. अब देखिए, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग कि इस एनिमल्स पोट्री में वॉल्ट विटमैन ने जो कंपैरिजन किया है, एनिमल्स ट्रेट्स और ह्यूमन ट्रेट्स का, उसको आप एक बार पहले से थोड़ा सा ग्लांस कर लीजिए. लेट्स स्टार्ट. एनिमल्स बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सब की टेंडेंसी होती है कि उनको हमेशा इस बारे में अवेयर किया जाता है कि वो एनिमल्स जैसा बिहेव ना करें, है ना. एनिमल्स की तरह झगड़ा ना करें, एनिमल्स की तरह खाएं पिए ना, एनिमल्स की तरह कोई एक्टिविटी ना करें. क्योंकि हमारा ऐसा मानना होता है कि एनिमल्स जो भी काम करते हैं उनके किए हुए काम के अंदर बहुत कमियाँ होती हैं. एनिमल्स बहुत वाइल्ड होते हैं, एनिमल्स में हम सारी कमियाँ ढूंढते हैं. नेचर ने जब इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया तो हमको ये बताया जाता है स्टार्टिंग से ही, हमको मालूम है, वी नो दैट वेरी वेल, कि इस पूरी क्रिएशन के अंदर, इस पूरी यूनिवर्स के अंदर जो ह्यूमन बींग्स हैं, आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड. राइट, गॉड हैज़ क्रिएटेड ह्यूमंस बेस्ट. तो एनिमल्स तो बेस्ट है नहीं, ह्यूमंस जो है बेस्ट क्रिएशन है गॉड का. तो क्या ये एनिमल्स, जिनको हमेशा ह्यूमन को ये समझाया जाता है कि वो एनिमल्स से बहुत बचकर रहें, उनसे अलग रहें, तो क्या ये ह्यूमंस इस लायक हैं? आर द ह्यूमंस आर इन द सिचुएशन, इन द पोजिशन कि वो एनिमल्स से अपने आप को बेटर फील कर रहे हैं? क्या ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि एनिमल्स उनसे बहुत लैगिंग कर रहे हैं, उन जैसा बिहेव नहीं करते? ऑफ कोर्स. अब यहाँ पर वॉल्ट विटमैन ने ह्यूमन बीइंग की उसी टेंडेंसी को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हमको बताने की कोशिश की है. वो बता रहे हैं इस पोइट्री के अंदर कि जिन एनिमल्स को हम दुनिया में बहुत ख़राब मानते हैं,
जिनसे हम बच्चे उनसे बचकर काम करें, उन जैसा काम ना करें। वी ऑलवेज बिहेव लाइक दैट। कभी आपने देखा है, कभी आपने अपना ह्यूमंस का इंट्रोस्पेक्शन किया है? अगर आप ऐसा करेंगे देन यू विल फाइंड कि ह्यूमंस बीइंग्स आर फार टाइम वर्स्ट देन एनिमल्स। जिन ह्यूमंस को गॉड ने बेस्ट क्रिएट किया है, अगर आप उनकी बिहेवियर को देखें, उनके ट्रेट्स को ऑब्जर्व करें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो ह्यूमंस हैं, ये एनिमल के कंपैरिजन के अंदर, एनिमल्स के कंपैरिजन के साथ बहुत पीछे हैं। हो सकता है जो ट्रेट्स यहाँ पर वॉल्ट विटमैन हमें बता रहे हैं। अब इस पोएम में वॉल्ट विटमैन ने क्या किया है? वॉल्ट विटमैन ने ये किया है कि जो ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स हैं, उन दोनों की क्वालिटीज़ को कंपेयर किया है पैरेलल करने के लिए। फिर हमको एक मैसेज भी दिया है कि आप देखिए इस पोएट्री को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कि वॉल्ट विटमैन कैसे ये फील कर रहे हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमन से बहुत अच्छे हैं इन द सेंस ऑफ बिहेवियर। आप उनके बिहेवियर को देखिए, आप उनकी लॉयल्टी को देखिए, आप उनके फेथ को देखिए, है ना। हर जगह आपको ऐसा लगेगा कि एनिमल्स ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और जिन ह्यूमंस बीइंग को गॉड ने बेस्ट क्रिएट किया था, अगर आज हम सोसाइटी में उन ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ को फोकस करें, उन ह्यूमंस की जो उनके काम करने के तरीके हैं, जो उनका लिविंग स्टाइल है, उसको ऑब्जर्व करें, तो हमें ये अच्छे से मालूम हो जाएगा कि ह्यूमंस जो गॉड की बेस्ट क्रिएशन हैं, वो एनिमल्स से बहुत ख़राब बिहेव करते हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर वॉल्ट विटमैन ने बहुत सारी बातों डिस्कस किया है। अब मैं वन बाय वन स्टैंजा पर आ रहा हूँ, जो आपको मैंने अभी बताया कि आप इस पोट्री में एनिमल्स के अंदर वॉल्ट विटमैन ने कंपोज किया है। आप इस पोट्री के अंदर आप जान लेंगे कि वॉल्ट विटमैन एनिमल्स के ट्रेट्स और ह्यूमन बींग के ट्रेट्स को कैसे बहुत नाइसली कंपेयर कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, आप जब वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो जो क्वालिटीज़ वॉल्ट विटमैन ने एनिमल्स को रिप्रेजेंट की हुई हैं, इनडायरेक्टली वो ह्यूमंस में बैड क्वालिटीज़ कंसिडर की जा रही होंगी। तो आप ये भी कह सकते हैं जो क्वालिटीज़ आप जानने जा रहे हैं एनिमल्स के बिहाफ पर, वो सब कुछ आज हमारी सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ओके बेटा व्यूअर्स, तो लेट्स स्टार्ट स्टैंजा वन। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टैंजा वन को। यहाँ पर वॉल्ट विटमैन ये फील कर रहे हैं इस पोएम के अंदर कि अगर उनको मौका मिले, अगर उनको चांस दिया जाए, इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि वॉल्ट विटमैन ने एनिमल्स के बिहाफ पर अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो इतना फेड अप हो चुके हैं ह्यूमंस के बीच में, वो ये चाहते हैं कि मैं इतना फेड अप हो चुका हूँ ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ को देखकर, ह्यूमंस के बिहेवियर को देखकर, कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं एनिमल्स के साथ रहना पसंद करूँगा। ह्यूमंस के बीच में रहने का मन एक पोइट का नहीं हो रहा है, आप समझ सकते हैं। ये वॉल्ट विटमैन का एक पेन है, एक डिप्रेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है कि वो कितना ह्यूमंस के बीच में अपने आप को इनसिक्योर, डिप्रेस और सैड फील कर रहे हैं। और एनिमल्स को वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं साथ रहूँगा एनिमल्स के, और एनिमल्स के साथ रहने में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और इसी चीज़ को वो स्टैंजा में पावर कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए क्यों चाहता हूँ मैं ऐसा। तब ये देखिए स्टैंजा वन की तरफ मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टैंजा वन। स्टैंजा के साथ साथ मैं आपको उसकी डिफ़िकल्ट जो वोकैबुलरी है वो भी रिफ्लेक्ट कराऊँगा, बताऊँगा आपको, ध्यान से देखिएगा। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, जब अमेंडा पढ़ाया था, कि बहुत सारे वर्ड्स जो पोएट यूज़ करते हैं, कभी कभी एक फ्रेज का काम भी करते हैं। तो पोएट्री में जो पोएट होते हैं, जो कंपोज़र होते हैं, वो कभी कभी एक पर्टिकुलर मीनिंग को किसी और सेंस के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि पोएट ने किस तरह के वर्ड को पोएम में क्या समझाने के लिए और कैसे इस्तेमाल किया है। सो लेट्स स्टार्ट स्टैंजा वन। यहाँ पोएट कह रहा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। आई थिंक से मतलब सेंस यहाँ पर ये है, पोएट यहाँ पर ये मानते हैं
वॉल्ट विटमैन यहाँ पर ये मांगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, आई कुड टर्न मतलब मुझे मुड़ जाना चाहिए, अब मुझे इंसानों को छोड़कर एनिमल्स की तरफ मुड़ जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, लिव विथ एनिमल्स। अब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, क्विट ने अपना स्टेटमेंट दिया कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। अब ये वो जवाब भी दे रहे हैं इसी लाइन में, आप देखिए, बिकॉज लगा नहीं है लेकिन सेंस वही है, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। पोइट ने बोला, पहले क्या बोला पोइट ने बेटा, कि मुझे लगता है कि मुझे इंसानों को छोड़कर एनिमल्स के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए, दे आर सो प्लेसिड। अब यहाँ पर जो प्लेसिड वर्ड आया है, आप लोगों ने बुक ओपन कर लिया होगा आई होप, पेंसिल निकाल लीजिए और डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी को मार्क करते चलिए साथ साथ, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको थॉरो पोइट्री में किस तरह के वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है उसका सेंस जानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेसिड का मतलब है वो है पीसफुल, काम, CALM, काम, है ना, बिकॉज दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि एनिमल्स को वॉल्ट विटमैन बहुत प्लेसिड कंसिडर करते हैं, एनिमल्स जो हैं प्लेसिड हैं उनके हिसाब से ह्यूमन बींग्स। अब अगर यहाँ पर वो एनिमल्स को प्लेसिड बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए एनिमल्स प्लेसिड है तो ह्यूमन बींग प्लेसिड नहीं है, अगर एनिमल्स को वो शांत कह रहे हैं, प्लेसिड कह रहे हैं, इंसान नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। एनिमल्स ना तो किसी से झगड़ा करते, ना बहुत ज़्यादा वो शोर शराबा करते, बिकॉज दे आर प्लेसिड। फिर उन्होंने बोला है एंड सेल्फ कॉन्टेंट, सेल्फ कॉन्टेंट बोलते हैं अपने आप पर निर्भर रहना, आत्मसंतुष्ट रहना, आत्मनिर्भर रहना, दोनों ही चीज़ों को पोइट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है सेल्फ कॉन्टेंट के साथ। जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड अपने आप पर करते हैं, वो अपने आप से बहुत संतुष्ट हैं, है ना, इंसान नहीं है। ह्यूमन बींग को आप कंपेयर कर लीजिए, हमने क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि जो जो क्वालिटीज़ यहाँ पर वॉल्ट विटमैन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, आप उसको कॉन्ट्राडिक्टरी वे में ले जाइए ह्यूमंस के लिए। अगर एनिमल्स प्लेसिड हैं, सेल्फ कंटेंट हैं, इट शोज़ ह्यूमन बींग्स आर नॉट लाइक दैट, वो वैसे नहीं हैं बिल्कुल भी, वो सेल्फ कंटेंट भी नहीं है, प्लेसिड भी नहीं है। फिर बोल रहे हैं आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, स्टैंड मैं उनको खड़े रहकर घंटों देखता रहता हूँ, यानी कि यहाँ पर वॉल्ट विटमैन जब एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब वो एनिमल्स को देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एनिमल्स को मैं घंटों देख सकता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक देख सकता हूँ उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके बिहेवियर को, लेकिन शायद मैं इंसानों के बीच में कुछ पल भी नहीं रह सकता। जिस तरह के आज इंसान हैं, जिस तरह के ह्यूमन बींग्स आज काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ कुछ पल भी नहीं बांट सकता, एनिमल्स के साथ मैं बहुत लंबा टाइम शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद देखिए बोल रहे हैं यहाँ पर वॉल्ट विटमैन, इसके बाद दे डू नॉट एनिमल्स, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है एनिमल्स की दूसरी क्वालिटीज़ के बारे में जो इंसानों में नहीं पाई जाती हैं। एनिमल्स में उसने बोला दे डू नॉट स्वेट, स्वेट होता है पसीना बहाना। हम यहाँ पर अगर सेंस निकाल लें पोएम में कि पोएट हमको समझाना क्या चाहता है, एनिमल्स डू नॉट स्वेट, इंसान स्वेट करते हैं, पसीना बहाते हैं, मींस इंसान अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, एक मजदूर बहुत मेहनत करता है, उसके मन में ये लालच है कि वो अगर मेहनत नहीं करेगा, पसीना नहीं बहाएगा, तो वो शायद अपने परिवार को नहीं पाल पोस पाएगा। एनिमल्स के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उनके पास जो भी होता है वो उसमें सेल्फ कंटेंड होते हैं, आराम से अपना जीवन गुजारते हैं। इसी कहा गया है दे डू नॉट स्वेट एंड हाइन, WHINE, हाइन बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में बहुत शोर शराबा करना, चिल्लाना, हिंदी वर्ड होता है विलाप करना, विलाप करना, उसके लिए हाइन वर्ड यूज़ किया है। किसके लिए नहीं करते हैं वो हाइन, अबाउट देयर कंडीशन, कंडीशन हालात, हमारी सिचुएशन। तो विटमैन क्या बोलना चाह रहे हैं कि एनिमल्स ना तो बहुत हाई तौबा करते हैं दिन रात काम करने के लिए, जैसा है सब में खुश रहते हैं, और ना ही वो अपने हालत के लिए,
अपनी सिचुएशन के लिए हाइन करते हैं, विलाप करते हैं, है ना, शोर शराबा नहीं करते, रोते पीटते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? आपने देखा होगा, आप एनिमल्स को अगर आप पेट करते हैं, आप कहीं पर भी बांध दीजिए, एनिमल्स को बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, खाना नहीं मिला है, बिल्कुल रिलैक्स रहता है। क्या आप इंसान को ऐसा पाते हो? इंसान को थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है, वो चीख पुकार मचाना शुरू कर देता है ना, वो शिकायत करना शुरू कर देता है, वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है, वो अपने आसपास के माहौल को कर्ज करता है, अब्यूज़ करता है, बिकॉज़ इंसान बिल्कुल नहीं चाहता अपनी कंडीशन में थोड़ा सा भी अप एंड डाउन देखना, थोड़ा सा भी डेप्रिवेशन देखना, गिरावट देखना। बट एनिमल्स आर नॉट लाइक दैट, वो सेल्फ कंटेन भी हैं, प्लेसिड भी हैं, वो बहुत स्वेट भी नहीं करते और वो कंडीशन को लेकर हाइन भी नहीं करते। फिर यहाँ पोइट बोल रहे हैं, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। देखिए लाए या वर्ड यूज़ किया बेटा, ये यूज़ किया गया है लेटने के लिए, अवेक वर्ड यूज़ किया गया है जागते रहने के लिए, और डार्क यूज़ किया गया है रातों के लिए। उसके बाद यूज़ हुआ है वीप, यानी कि रोना चिल्लाना, फॉर देयर सिंस। सिंस बोला गया है पाप गुनाह, जो पाप गुनाह। अब इस प्लान का सेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमिन हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कोई गुनाह पाप नहीं करते, जिनकी वजह से उन्हें रातों को जागकर अपने पापों के लिए रोना पड़े। यानी कि इंसान इतने गुनाह करता है, इतने पाप करता है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, वो रातों को सो नहीं पाता और वो रातों को जागता रहता है, इसलिए कि वो अपने पापों को, गुनाहों को याद करे, छुटकारा पाने के लिए रोता है, पश्चाताप करता है। एनिमल्स की रात की नींद नहीं उड़ती, वो पाप नहीं करते, गुनाह नहीं करते। ये वॉल्ट विटमैन का ऐसा मानना है कि इंसान आज इतना सिंसफुल हो चुका है, इतना पापी हो चुका है कि वो रातों की नींद खो बैठता है, रातों के चैन खो बैठता है। आपने देखा होगा जैसे कोई क्रिमिनल है, कोई मर्डरर है, जितने भी चोर हैं, अपराधी हैं, उनको हमेशा डर डर रहता है, जैसे कि रात को सो रहे हैं तो वो सो नहीं पाते, बेचैन से रहते हैं, वो अपने गुनाहों को याद करते रहते हैं, हमने यहाँ पर ये पाप किया, यहाँ पर ये गुनाह किया, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। एनिमल्स की रातों की नींद नहीं उड़ती है, वो रातों को आराम से सोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। ये बड़ा बहुत अच्छी लाइन है पोएम की, यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है बोर्ड ने, तो आप लाइन को ध्यान समझिए। दे डू नॉट मेक मी सिक, ऑब्वियसली सिक का मतलब बीमार होता है, लेकिन यहाँ पर जो पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, उन्होंने सिक को बीमार के लिए यूज़ नहीं किया है। डिस्कसिंग मीन बहस करना होता है, यहाँ बहस करने को नहीं कहा जा रहा है। ड्यूटी मीन आपकी लाइबिलिटीज़, आपके कर्तव्य की बात हो रही है, टू गॉड ईश्वर की प्रति। अब इस लाइन का सेंस वॉल्ट विटमैन आपको क्या बताना चाह रहे हैं? जो एनिमल्स होते हैं वो आपस में दूसरे को इस बात के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं करते कि भगवान के लिए उनकी ड्यूटी क्या है वो पूरा करिए। इंसान करते हैं, आज हम सोसाइटी में फोकस करें तो आपको आसानी से मिल जाएगा। हर कोई हमें ये बताना चाहता है कि भाई आपके धर्म के लिए आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपको अपने धर्म में कौन से काम करने चाहिए। हम लोग अपने अपने धर्म गुरु, जो हमारे रिलीजियस प्रीस्ट होते हैं, वो हमें मैनिपुलेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग हमसे अपने काम को करवाते हैं। तो हमें किसी भी धर्म गुरु को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमको एनिमल्स की तरह ये बिहेव करना है कि हमें, जैसे एनिमल्स बता रहे हैं कि हमारा कोई धर्म गुरु नहीं है, हम आपस में एक जगह रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, लोगों को परेशान नहीं करते कि तुम्हें इस भगवान को मानना है, तुम्हें इस धर्म की पूजा करनी है, तुम्हें इस धर्म को इस हिसाब से लेकर चलना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। इन शॉर्ट विटमैन ने यहाँ पर आपको ड्रॉ किया है धर्म के नाम पर जो हम झगड़े फसाद करते हैं, अपने अपने भगवान को लेकर हम जो झगड़े फसाद करते हैं इंसान करते हैं, वो एनिमल्स में बिल्कुल नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे कि वॉल्ट विटमैन क्यों ये चाह रहे हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहें अगर चांस मिले। ये सारी बातें जो आप जानते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ये रिफ्लेक्शन है इस बात का कि एनिमल्स क्यों इस तरह के लग रहे हैं वॉल्ट विटमैन को कि उनके साथ वो रहना चाहते हैं।
ह्यूमन बीइंग के साथ रहना नहीं चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। नॉट वन कौन हुआ बेटा यहाँ पर स्टूडेंट्स? यहाँ पर नॉट वन हुए एनिमल्स। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट अपनी लाइफ से, नाराज अपनी लाइफ से, नाखुश। नॉट वन, एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जो आपको अपनी लाइफ से नाखुश मिलेगा, असंतुष्ट मिलेगा, डिससेटिस्फाइड मिलेगा। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स। ये लाइन देखी आपने, उन्होंने क्या बोला इस लाइन के अंदर, ना तो कोई एनिमल ऐसा है जो अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड है और ना ही कोई एनिमल ऐसा है। एक वर्ड इसमें आया है, बताना चाहूँगा इसका मीनिंग, इस क्या यूज़ किया गया है, डिमेंटेड। डिमेंटेड बोलते हैं पागलपन की हद, अपना मानसिक संतुलन खो बैठना। डिमेंटेड वर्ड इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। मीनिया, MANIA, मीनिया वर्ड यूज़ किया गया है सनक। हमें किसी चीज़ की जब सनक लग जाती है, सनक, हम सनकी हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, उसको मीनिया बोलते हैं। किस चीज़ के लिए? ऑनिंग थिंग्स। ऑनिंग बोलते हैं अपनी चीज़ों को कब्ज़ा करना। ऑनिंग, मेरे पास ये चीज़ें हों। चीज़ें मतलब लग्जरीज, आपकी लग्जरी लाइफ। हम लोग देखते हैं, आपने बहुत जगह पढ़ा है, इंसान की डिज़ायर्स कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, है ना? वो अपनी डिज़ायर पूरा करने के लिए एक के बाद एक एफर्ट करता रहता है और समटाइम उसको अपनी डिज़ायर पूरा करने के लिए कभी कभी बुरे काम को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो एनिमल्स बिल्कुल नहीं करते। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, एक भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं रहता है, ना ही वो अपना मानसिक संतुलन खोता है, यानी कि ना ही वो इतना पागल होता है कि उसके अंदर चीज़ों को इकट्ठा करने की सनक लग जाए। ये सब इंसान करते हैं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपने ग्रीड के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी ये डिमांड पूरी करता है, कभी वो डिमांड पूरी करता है। उसको लगता है अगर मेरे पड़ोसी के पास आज ये वाली कार आ गई है तो मैं ये कार ले आऊँ, मेरे घर में मेरे भाई के पास इतने गज ज़मीन है, मैं इतनी ज़मीन ले आऊँ। तो वो चीज़ों के पीछे पागल रहता है, है ना? हमारी लाइफ जो है वो कैसी है, वो मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है। हम ये भूल चुके हैं कि हम यहाँ पर परमानेंट नहीं हैं। वी आर गेस्ट हेयर इन द वर्ल्ड, वी आर गेस्ट हेयर, है ना? हम चीज़ों को कब्जाने के चक्कर में रहते हैं, पागल बने रहते हैं। एनिमल्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। उनको आप घर में पेट करेंगे, आप जहाँ बांध देंगे बन जाते हैं। जंगल में वो जहाँ भी रहते हैं कभी डिमांड नहीं करते कि उनके पास भी AC हो, उनके पास भी मार्बल का फर्श लगा हो, उनके पास भी अच्छी लग्जरी लाइफ हो। दे नेवर डिमांड, राइट? उसके बाद उन्होंने बोला है नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी। ये बहुत अच्छी लाइन है, आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। मीन्स अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड के एनिमल्स की बात करें तो वहाँ पर उनकी लाइफ के अंदर, एनिमल्स लाइफ के अंदर कोई भी ना तो रेस्पेक्टेबल है और ना ही कोई अनहैप्पी है। यानी कि इंसान क्या करता है, हमेशा अपने अपने अहंकार में, अपने अपने एरोगेंस में, हमेशा हम लोग हाई कास्ट लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करती है, अमीर गरीब को डिस्क्रिमिनेट करता है, एक ऊंचे ओहदे का अधिकारी अपने कलीग्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, शोषण करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, राइट? तो यहाँ पर ये लाइन ये बता रही है आपको कि एनिमल्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, वहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है, वहाँ पर सबका सम्मान बराबर है। वहाँ सब जो जितने भी एनिमल्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, ऑल आर इक्वल, है ना? बिल्कुल भी वो लोग इस बारे में डिस्कस नहीं करते कि हम इसका सम्मान करें और इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये लाइन बता रही है आपको सोसाइटी में उस फैक्टर को जहाँ पर कास्टिज़म है, जहाँ पर अप एंड डाउन है, जहाँ पर अमीरी गरीबी है, जहाँ पर छोटे बड़े की सोच है। ये चीज़ें आपको इस लाइन समझाने की कोशिश कर रही है, इंसान ऐसा करते हैं, राइट? उसके बाद हम मूव करते हैं
स्टैंजा फोर की तरफ। यहाँ पर उन्हें बोला है वॉल्ट विटमैन ने, जब उन्होंने देखा थ्रू द पोयम कि किन किन पॉइंट्स पर एनिमल्स को वो अच्छा पा रहे हैं, या भी पॉइंट्स जो आपने पढ़े आप इसको मार्क कर सकते हैं। आपको मैं वर्ड्स टू वर्ड समझा रहा हूँ, लाइन का सेम समझा रहा हूँ। तो आप अब वो बोल रहे हैं स्टैंजा फोर में सो। अब सो वर्ड क्यों लिया है? ये उनका एसेंस है, लास्ट में उनका मैसेज है, उनका अपना ऑब्जर्वेशन है। अब वो सोचते क्या हैं? सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। वो बोल रहे हैं वॉल्ट विटमैन, इस तरह से मैंने देखा कि जो जो क्वालिटीज़ एनिमल्स के अंदर मैंने ऑब्जर्व की हैं, पाई हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो एनिमल्स हैं उनके साथ मेरा कोई नाता है, ये मुझे महसूस हुआ। दे शो देयर रिलेशन टू मी, उनके साथ मेरा कोई नाता है, संबंध है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उन रिश्ते नातों को जो उनका मेरे साथ है, या मैं उनको ये मुझे ये लग रहा है कि एनिमल्स क्यों अच्छे हैं, अगर कोई नाता है, आई एक्सेप्ट देम, मैं उस नाते को, उस रिलेशन को स्वीकार करता हूँ, बिल्कुल मान लेता हूँ, कबूल करता हूँ कि हाँ मुझे एनिमल्स के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसान तो इस लायक रह नहीं गया है कि उसके साथ रहा जाए। एनिमल्स को मैं जब देखता हूँ तो इतनी सारी क्वालिटीज़ देखता हूँ, ये क्वालिटीज़ जब गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया था तो सारी क्वालिटीज़ को इंसानों के अंदर डाला था, पता नहीं कैसे ये आज ह्यूमन से निकल कर एनिमल्स के पास पहुंच गई हैं। एनिमल्स को जिनसे हम कहते हैं बचकर रहो, वो तो बहुत वफादार हैं, बहुत लायबल हैं। तो पोइट ने बोला आई एक्सेप्ट देम, मैं स्वीकार करता हूँ उनके साथ रहना। अब एक लाइन और बोल रहे हैं इसके बाद, ये लाइन ध्यान सुनिएगा, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स यहाँ बोला गया है सिंबल को, किसी चीज़ का प्रतीक, पहचान होना, उन्हें टोकन्स बोला गया है। दे ब्रिंग मी टोकन्स माई सेल्फ, मैं सेल्फ अपने आप के लिए, मतलब जब मैं एनिमल्स को देखता हूँ तो एनिमल्स मुझसे, यानी कि इंसान से इंसान की पहचान करवाते हैं। एनिमल्स को देखकर मुझे याद आता है कि इंसान का प्रतीक है एनिमल, ये इंसान कभी ऐसा ही था, गॉड ने इंसान को, ह्यूमन बींग्स को ऐसा ही बनाया था। तो ये प्रतीक हैं, टोकन्स हैं, और मुझे याद दिलाते हैं कि टोकन्स कि इंसानों तुम्हें ऐसा होना चाहिए जो आज के एनिमल्स हैं, राइट। फिर बोलते हैं दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन। इविंस बोलते हैं शो, दिखाना, प्रेजेंट करना, है ना। ए वर्ड्स में आया है देयर पोजिशन, पोजिशन वर्ड होता है अपने अधिकार में होना, अपने कब्जे में होना, इन देयर पोजिशन। तो यहाँ बोल रहे हैं जो प्रतीक, जो पहचान कभी इंसानों की थी, वो आज शायद वो ये शो करते हैं, एनिमल्स शो करते हैं, एविंस करते हैं कि आज वो सारी पहचान, वो सारे सिंबल, वो सारे टोकन्स जानवरों के अधिकार में हैं, जानवरों के कब्जे में हैं, हमारे कब्जे में नहीं है। जो ईश्वर ने इंसानों के लिए टोकन्स बनाए थे, वो टोकन्स आज जानवरों के कब्जे में हैं, पोजीशन में हैं, राइट। फिर बोलता है लास्ट में आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, आई वंडर, मैं हैरान हूँ, मैं चौंक गया हूँ ये सब देखकर, मैं अचंभित हूँ, आई वंडर कि आखिर जानवरों में टोकन्स आए कहाँ से। ये जो क्वालिटीज़ थी, ये जो सिंबल थे जो रिफ्लेक्ट करते थे कभी ह्यूमन बींग्स को, ये एनिमल्स में आए कहाँ से, आई वंडर, मैं हैरान हूँ इस बात से। फिर वो उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं इसका, डिड आई पास दैट वे। आई यहाँ कौन हुआ? आई यहाँ पर हुआ ह्यूमन, ऑल ह्यूमन बींग्स। क्या कभी मैंने ये जो टोकन्स हैं इनका त्याग कर दिया था? डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, ह्यूज टाइम्स एगो मतलब बहुत टाइम पहले,
and negligently drop them. Negligently, लापरवाही से drop, छोड़ देना, है ना, them, उन tokens को, them, उन tokens को. तो यहाँ पर Walt Whitman अपने ही बारे में कुछ जवाब दे रहे हैं. पहले वो कहते हैं आई वंडर, कि मैं हैरान हूँ ये कहाँ से टोकन्स आए जानवरों के पास. फिर वो जवाब दे रहे हैं लगता है कभी हम इंसानों ने ही इन्हें लापरवाही के साथ छोड़ दिया है बहुत टाइम पहले. अब इस लाइन में उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है कि जो इंसान था, अगर हम साइंटिफिक बात करें, साइंस के हिसाब से बात करें, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो एनिमल्स थे, ह्यूमन बींग अर्ली, जो अर्ली मैन थे उससे पहले जाइए आप, तो हम लोग, हमारा फॉर्मेशन एनिमल्स में हुआ था. तो एनिमल्स से तो हम लोग बहुत आगे निकल गए, हमने अपना रूप चेंज कर लिया, हमें कपड़ा पहनना आ गया, हमें खाना पकाकर खाना आ गया, हमें गाड़ी चलाना आ गया, लेकिन शायद हम अपने क्वालिटीज़ को वहीं छोड़ आए जो हम पहले, हमारे पूर्वज थे एनिमल्स उनके पास. लगता है हमने अपने आप को मॉडर्न तो बहुत कर लिया, आगे तो बहुत पहुँच गए, चाँद पर पहुँच गए, समुद्र की गहराई को नाप लिया, बीमारियों को दूर करने का हमने दवाइयाँ बना ली, लेकिन हम अपनी मोरल क्वालिटीज़ को यहाँ पर ड्रॉप कर गए हैं, अपने ट्रेट्स को यहाँ पर ड्रॉप कर गए हैं, अपनी अच्छाइयों को ड्रॉप कर गए हैं जो कभी गॉड ने इंसानों के लिए बनाई थी. तो बेटा ये था इस पोट्री का एक कम्प्लीट सेंस, वॉल्ट विटमिन का विज़न टुवर्ड्स ह्यूमन बींग्स. उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुली इस पोइट्री के अंदर आपने देखा थ्रू आउट द स्टेंजाज, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक लाइन का सेंस, हर एक वर्ड का सेंस जो वॉल्ट विटमिन आपको समझाना चाह रहे थे, मैंने उसको रिफ्लेक्ट किया है थ्रू दिस पोएम एनिमल्स के अंदर, जहाँ हमने देखा कि वॉल्ट विटमिन इतने फेड अप हैं ह्यूमन बींग की एक्टिविटी से कि आज वो एनिमल्स को एडॉप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं इंस्टीड ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो क्या ह्यूमन बींग की एक्टिविटी इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि वो रहने के लायक नहीं रह गए हैं, वो साथ में टाइम गुजारने के लिए अपने आप को प्रॉब्लम में फेस करते हैं. इंसान आज इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है कि एनिमल्स के साथ आप कंफर्ट फील करेंगे. ऑफकोर्स ये बात उन्होंने बिल्कुल हैंस प्रूव यहाँ पर की है वॉल्ट विटमिन ने, कि एनिमल्स आर फार टाइम बेटर इन द कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बींग्स ट्रेट्स. एक्टिविटी के बेस पर आप देख लीजिए, ट्रेट्स के बेस पर आप देख लीजिए, उनके बिहेवियर के बेस पर आप देख लीजिए. आप एक डॉग को पेट करेंगे, एक डॉग पेट करिएगा, उसे पालिएगा, वो हमेशा आपके लिए लायबल रहेगा, ड्यूटीफुल रहेगा, और शायद टाइम आने पर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगा, लेकिन क्या ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं? ह्यूमन बींग्स तो सिर्फ विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं, बिचिंग करते हैं, और हमेशा इवन अपने घरों के अंदर भी जो उनके वार्म रिलेशन हैं उनके साथ भी वो मिसबिहेवियर करते हैं, बिट्रे करते हैं, उनको भी वो बैक बाइटिंग करते हैं और बैक स्टेबल करते हैं. दीज आर टुडे ह्यूमन बींग्स लाइफ. इसी को वॉल्ट विटमिन ने इस एनिमल्स पोएट्री में डिस्क्राइब किया है. होप आपके माइंड में आया होगा. अगले वीडियो में मैं आपको एक और पोएट्री प्रेजेंट करूंगा. अगर आपको मेरी पोएट्री, ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड शेयर. एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. होप कि आपको पसंद आया वीडियो. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई पोएट्री के साथ. तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़िए, कीप वॉचिंग माई वीडियोज फॉर लेटेस्ट टॉपिक्स ऑफ CBSE सेकेंड टर्म. टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.